सुशील क्राइड द होल डे एंड थॉट इफ ओनली आई वर एज ओल्ड एज माई फादर आई कुड डू जस्ट एज आई प्लीज्ड नो वन कुड लॉक मी अप। जब उसके फादर उसको कमरे में बंद कर देते हैं तब वो क्राइड करता है, रोने लगता है द होल डे, सारा दिन रोता है और सोचता है कि अगर मैं अपने फादर के जैसे होता, उनकी उम्र का होता, तो जो भी मैं चाहता वो मैं कर पाता। आई प्लीज्ड, जो मुझे खुशी होती वो मैं कर पाता, और कोई भी मुझे ऐसे कमरे में लॉक करके ना जाता। हिज फादर सैट आउटसाइड थिंकिंग, और उसके फादर बाहर क्या सोचते हैं, माई पेरेंट्स पैम्पर्ड मी, पैम्पर्ड क्या होता है, लाड प्यार से बिगाड़ देना, टू मच, मेरे पेरेंट्स ने मुझे टू मच प्यार किया था, दैट्स वाई आई डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाया। इफ आई गेट बैक टू माई चाइल्डहुड दिस टाइम आई हैड स्टडी प्रॉपरली एंड नॉट वेस्ट टाइम, कहता है अगर मैं बचपन में आ गया, छोटा हो गया, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और प्रॉपरली सही ढंग से स्टडी करूंगा। Now the lady of wishes happened to pass that house and heard that the father and the son said, "Well, let me make their wishes come true for some time and see what happens." और तभी उनके घर से पास में से कौन जा रही होती है, lady of wishes, जो इच्छा पूरी करने वाली lady है, और वो उन दोनों की बातें सुनती है जो father और बच्चा अपने दिमाग में दिल में सोचते हैं, और क्या कहती है कि ठीक है, वेल मैं इनकी इच्छाएं पूरी कर देती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस। सो शी अपीयर्ड बिफोर द फादर एंड टोल्ड हिम यू विल हैव व्हाट यू वांट, कहती फिर अपीयर्ड होता है सामने आना, किसके सामने आती है, फादर की, और उसको बोलती है कि जो तुम चाहते हो कल तुम्हें वो मिल जाएगा, टुमारो यू विल बी योर सन एज, कल तुम अपने बेटे की सन की एज के हो जाओगे। टू द सन ही सेड, फिर लड़के को क्या बोलती है जाके, कि यू विल बी एज ओल्ड एज योर फादर, टुमारो कल तुम अपने फादर जितने ओल्ड हो जाओगे। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी टू हियर दिस, दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। सुबल चंद्रा डिड नॉट स्लीप वेल एट नाइट, सारी रात जो सुबल चंद्रा है वो सोते नहीं है उसके फादर, ही फेल असलीप ओनली टूवर्ड्स द मॉर्निंग, सुबह सुबह उनको नींद आती है, बट टूडे अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, जब वो सुबह होती है तो एक स्ट्रेंज अजीब चीज होती है, ही लीप्ड अप, लीप्ड अप होता है कूद के, जैसे बच्चे होते ना एकदम कूद के ऊपर बेड में से उठ जाते हैं, क्रैक ऑफ द डॉन, क्रैक ऑफ डॉन मतलब सुबह सुबह, ही डिस्कवर्ड दैट ही हैड बिकम वेरी स्मॉल, क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि वो बहुत छोटा हो चुका है उसका फादर जो है, ही हैड गॉट बैक ऑल हिज टीथ, और उसके सारे टीथ हैं वो भी वापस आ चुके हैं, एंड ही लॉस्ट हिज बियर्ड, क्या होती है दाढ़ी, माउस्टिक मूछें ने, और दाढ़ी नहीं है उनकी, हिज क्लोथ्स वर टू नाउ मच टू बिग फॉर हिम, और उसके जो क्लोथ्स हैं वो बहुत बड़े हैं उसके लिए, क्योंकि पहले वो फादर था ना, तो अब छोटा बच्चा हो गया तो उसके कपड़े भी बड़े हो गए। मीनवाइल अवर सुशील चंद्र जस्ट कुड नॉट गेट अप टूडे, दूसरी तरफ क्या होता है, जो सुशील है उसका बेटा जल्दी नहीं उठता। When at last he was woken up by his father's shout, he found that he had grown so much overnight that his clothes has burst their seams, कहता है कि दूसरी तरफ जो सुशील है वो उठता नहीं, उसके फादर उसके चिल्लाते हैं तब जाके उठता है, और क्या देखता है कि उसके जो कपड़े हैं रातों रात फट चुके हैं, मतलब पहले छोटा था अब वो बड़ा हो गया तो उसके कपड़े उसके लिए छोटे हो गए थे और अपनी वो सीन से बाहर आ चुके थे। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ग्रे स्टबन, ग्रे स्टबन मतलब कटी फटी दाढ़ी ग्रे कलर की, उसके फेस दाढ़ी से ढका हुआ था, एंड ही हैड आल्सो बिकम बाल्ड, बाल्ड क्या होता है गंजा, जिसके सर पे बाल नहीं होते। He did not feel like getting up at all. उसका उठने का मन नहीं करता। He yawned, अबासियां लेता है again and again. The noise by his father finally made him get up. और उसके फादर की आवाज बार बार उसको उठाने के लिए आती है तो वो उठता है। Their wishes had come true. उनकी जो इच्छाएं वो पूरी हो गई हैं। But it only made trouble, मुसीबत हो जाती है उनके लिए। Sushil had always imagined that if he grew up and be
free like his father. He would climb tree, dive into the pool, eat green mangoes, plunder birds' nest and roam around all day long. कहता जो सुशील है, जब वो पहले सोचता था ना कि जब वो अपने फादर जितना बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, दरख्त पे चढ़ेगा, डाइव इनटू पूल, पानी में, पूल में डाइव करेगा, डुबकी लगाएगा, स्विमिंग करेगा, ईट ग्रीन मैंगो, आम खाएगा, प्लंडर बर्ड्स नेस्ट, प्लंडर होता है लूटना, मीनिंग इसका, बर्ड्स के नेस्ट में जाके उनके अंडे चुराएगा, रोम इधर उधर घूमना, सारा दिन इधर उधर घूमेगा. He would come home and eat whatever he like. और जब भी वो घर वापस आएगा घूम फिर के जो उसका दिल करेगा वो खाएगा. Whenever he liked, with no one to scold. Scold क्या होता है? झिड़कना. और कहता है कि कोई भी उसको झिड़केगा नहीं और जो उसका मन करेगा वो खाएगा. But strange to say, that morning he did not want to climb a tree. He did not want to swim either. He thought he would catch cold and have fever. He rolled out on a mat and sat there thinking quietly to himself. अब क्या हुआ है? उल्टा हो गया. बड़ा तो हो गया बट अब उसका मन नहीं करता ट्री पे चढ़ने का, स्विम करने का. ही थॉट, उसको लगता है कि उसको कोल्ड हो जाएगा और उसको फीवर हो जाएगा. क्या करता है? बड़ों की तरह मैट बिछाता है और उसके ऊपर चुपचाप सोचने लग जाता है. उम्र के साथ ही सारा अच्छा लगता है ना. बच्चे ही ये काम करते हैं. बड़े जब हो जाते हैं तो उनको हेल्थ इशू हो जाते हैं. Once he thought he should not give up all games so sudden, he should at least try. फिर वो क्या सोचता है एक बार में कि उसको एकदम ही गेम्स नहीं छोड़नी चाहिए, at least कुछ तो ट्राई करना चाहिए. So he got up, उठता है, try to climb an amber tree nearby. और उठता है जो ट्री है पास में उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है. As soon as he tried to pull himself up by a thin branch, branch क्या है? टहनी, thin. Broken under his weight and he fell to the ground. क्या होता है जब वो चढ़ने की कोशिश करता है टहनी की तरफ जाता है तो वो टूट जाती है उसके वेट से और वो ग्राउंड पे गिर पड़ता है. पासर बाय मतलब जो वहां से गुजर रहे हैं लोग हैं, लाउड हंसते हैं, लाउडली जोर से. टू सी द ओल्ड मैन प्लेइंग चाइल्डिश प्रैंग. चाइल्डिश प्रैंग मतलब जैसे बच्चे करते हैं, सभी हंसने लगते हैं एक ओल्ड मैन को बच्चों की तरह बिहेव करते हुए देख के. विद लोअर्ड हेड ही केम बैक टू हिज मैट ऑन द पोर्च, कॉल्ड सर्वेंट एंड सेड, बॉय ब्रिंग मी अ रूपीज वर्थ ऑफ टॉफी फ्रॉम द मार्केट. सर नीचे करके, लोअर्ड द हेड, सर नीचे करके वापस आ जाता है मैट के ऊपर, बैठ जाता है पोर्च मतलब बरांडे में और अपने सर्वेंट को आवाज लगाता है. उसको क्या बोलता है? बेटे जाओ मेरे लिए रूपीज की टॉफी लेके आओ मार्केट से. सुशील हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ टॉफीज. एवरी डे एट शॉप नियर द स्कूल ही सॉ स्वीट्स ऑफ मैनी कलर एंड बाउट सम व्हेनेवर ही वाज गिवन अ फ्यू पैसे. कहता सुशील को टॉफीज का बहुत शौक था. हर रोज जब वो स्कूल जाता था पास में शॉप थी वहां पे उसको स्वीट दिखाई देती थी डिफरेंट कलर्स की और लेके आता था घर खाने के लिए जबकि उसको पैसे मिलते थे. He had always dreamt of stuffing his pocket with them when he had lots of money. हमेशा यही सपना लेता था कि जब उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो अपनी पॉकेट भर लेगा टॉफी से. टू ही सर्वेंट ब्रॉट हिम ए फूल रूपीज वर्थ. ही टूक अ पीसीज एंड स्टार्टेड ईटिंग इट. जब आज उसका सर्वेंट टॉफी लेके आया है जब वो पकड़ता है एक टॉफी और खाने की कोशिश करता है. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट केयर फॉर चिल्ड्रन स्वीट्स. पर आपको पता है कि जब ओल्ड हो जाते हो तो बुजुर्गों को इतनी अच्छी नहीं लगती टॉफी. तो क्या सोचता वो? लेट मी गिव देम टू माई चाइल्ड फादर ही थॉट. बट वंस डिसाइडेड नो इट विल मेक द बॉय सिक. फिर सोचता है कि रहने दो मैं नहीं खाता, मैं अपने जो मेरे फादर छोटे बच्चे बन गए उनके लिए रख देता हूँ, उनको दे दूंगा. फिर वो दूसरे पल क्या सोचता है कि नहीं नहीं इससे बच्चा बीमार हो जाएगा. वही बात हो गई ना, जब वो छोटा था तो सोचता था कि मैं इतनी टॉफीज खाऊंगा, फिर जब वो बड़ा हो गया तो वो बड़ों की जैसे सोचना स्टार्ट कर देता है.